स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जो हमारा फार्मास्यूटिक्स की सीरीज़ चल रही है 500 क्वेश्चंस की, उसका ये 51 मतलब हमने 50 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं, तो आज 51 फर्स्ट से हम दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन जो हैं वो है हमारे रिगार्डिंग फार्मास्यूटिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि वाटर सॉल्युबल बेसिस जो होते हैं उनको हम और क्या बोल सकते हैं। वाटर सॉल्युबल मतलब कि जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। वाटर में अगर कोई सॉल्युबल है बेस, तो वो हमारा क्या होगा, ग्रीसी ऑइंटमेंट होगा या ग्रीस लेस होगा, या दोनों ही बोल सकते हैं, या कोई भी नहीं होगा। तो ऑफकोर्स इसमें ग्रीस लेस ऑइंटमेंट बेसिस होगा, ठीक है, क्योंकि जो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं ना उनके, वो हमेशा मतलब कि उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीसलेस ऑइंटमेंट बेस, ठीक है। मतलब वाटर में सॉल्युबल जो आते हैं बेस, वो क्या होते हैं, ग्रीसलेस ऑइंटमेंट बेस। तो इसको हम इसलिए वाटर सॉल्युबल बेस को हम ग्रीसलेस ऑइंटमेंट बेस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेस्ट जो होती है हमारी, है ना, पेस्ट, टूथपेस्ट जो जैसे हम करते हैं वैसे ही पेस्टिस जो होती हैं, उनकी कंसेंट्रेशन जो है इनसॉल्युबल पाउडर की वो कितनी होनी चाहिए। वो आपकी 20 to 50 होनी चाहिए, 50 to 100, 50 to 75 या कोई भी नहीं इसमें से। तो आंसर होगा आपका ए, 20% से 50% होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेलीज जो हैं आर जनरली, जेलीज जो हैं हमेशा क्या होती है, जेलीज ट्रांसपेरेंट होती हैं। ट्रांसपेरेंट कैसे होंगी, जैसे कि उनका वाटर में सॉल्युबल होगा बेस की वाटर में इनसॉल्युबल होगा, या फिर दोनों होंगे। तो अगर तो वाटर में इनसॉल्युबिलिटी आती है तो वो क्या हो जाता है, टर्बिड सॉल्यूशन बन जाता है, वो एक जैली नहीं बन के आएगी। तो अगर वो वाटर में सॉल्युबल हो जाती है तो जैलीस मोस्टली वाटर में सॉल्युबल हो जाती हैं। तो आंसर आएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर यूएसपी द टर्म ऑब्जेक्शनेबल मीन्स, ऑब्जेक्शनेबल का मतलब क्या होता है, कि एन ऑर्गेनिज्म कैन कॉज डिजीज और प्रेजेंस में इंटरप्ट द फंक्शन ऑफ द ड्रग और लीड टू डिटीरियोरेशन ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि पैथोजन इफ दे प्रोड्यूस डिजीज और इन्फेक्शन इन द न्यू बॉर्न और डेलिब्रेटेड पर्सन्स। नेक्स्ट है, ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर टॉक्सिन्स आर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन डिजीज और इन्फेक्शन। तो आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर आएगा इसमें से फर्स्ट वाला, ऑर्गेनिज्म कैन कॉज डिजीज और द प्रेजेंस में इंटरप्ट द फंक्शन ऑफ द ड्रग और लीड टू द डिटेरियोरेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी हमारा ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इफ़ेक्टिवनेस होता है हमारा प्रिजर्वेटिव का इन प्रिवेंटिव माइक्रोबियल डिटीरियोरेशन, वो किस पे डिपेंड करती है। तो इंट्रैक्शन जो होती है प्रिजर्वेटिव की बिटवीन सर्फेक्टेंट, इंट्रैक्शन बिटवीन प्रिजर्वेटिव एंड एक्टिव सब्सटेंस, सॉर्प्शन बाय पैकिंग मटीरियल, या सब ऑल जो हैं सारी। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑल, ठीक है। कैसे, कि जो हमारा प्रिजर्वेटिव होता है हमेशा वो हम बचाने के लिए, माइक्रोबियल ग्रोथ को बचाने के लिए। अब माइक्रोबियल ग्रोथ किसकी बचानी है, वो हम सर्फेक्टेंट के साथ भी, एक्टिव सब्सटेंस के साथ भी, पैकेजिंग मटेरियल के साथ भी, हम किस में भी उसको अगर हम उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड कर देते तो हमारी डिटीरियोरेशन जो है प्रोडक्ट की नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्पोस्ट्री होती है जनरली उसको इंटेंडेड मीन्स कहाँ यूज़ किया जाता है, ठीक है। इंटेंडेड फॉर यूज इन दैट रेक्टम, वजाइना और यूरेथ्रा, तो ऑल पार्ट्स होते हैं स्पोस्ट्रीज जो होती हैं, मोस्टली ये सब पार्ट में जो है ये तीनों पार्ट में ये इंसर्ट करी जाती हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, वजाइनल स्पोस्ट्रीज को हम और क्या बोलते हैं, तो उसको हम पेसरीज भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ओलियम थियोब्रोमा वॉज रिकमेंडेड बाई ए बी टेलर, एक साइंटिस्ट हैं ए बी टेलर जिन्होंने ओलियम थियोब्रोमा के बारे में डिस्क्रिप्शन दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो वेट रहता है रेक्टल स्पोस्ट्री का फॉर अडल्ट, तो अडल्ट के लिए जो रेट रहता है, वेट रहता है वो कितना होता है, तो 2 ग्राम इनका वेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बच्चे का हो तो 1 ग्राम होगा, ठीक है।
नेक्स्ट यूरेथ्रा सुपोस्टरी को और क्या बोलते हैं? तो बूगीज बोलते हैं इसको, क्योंकि वजाइनल को हम पेस्ट्रीज बोलते हैं और यूरेथ्रा को बूगीज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेथ्रा सुपोस्टरी को क्या शेप रहती है? तो इनकी पेंसिल शेप रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट जो है यूरेथ्रा सुपोस्टरी का, यूरेथ्रा सुपोस्टरी का फॉर मेल एंड फीमेल, तो मेल के लिए हो जाता है 4 ग्राम एंड फीमेल के लिए होता है 2 ग्राम। मीन्स फर्स्ट हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेप जो होती है वजाइनल सुपोस्टरी की वो कौन सी होती है? तो वो भी हमारी ओविफॉर्म शेप जो है वो यूज़ की जाती है। रेक्टल सुपोस्टरी जो होती हैं ज़्यादातर किस में यूज़ की जाती है, किसका ट्रीटमेंट? कॉन्स्टिपेशन में कि जो हेमोरॉइड में, जब दोनों में? तो ऑफकोर्स रेक्टम की प्रॉब्लम जो है, रेक्टम में अगर कोई चीज़ हम इंसर्ट कर रहे हैं, कोई भी मेडिकामेंट हम ट्यूब ही लगा रहे हैं, ठीक है, समझ लो, तो क्यों लगाएंगे? क्योंकि रेक्टम में या तो कॉन्स्टिपेशन मीन्स कि रेक्टम पार्ट में लगा देंगे तो वो क्या होगा कि स्मूथ हो जाएगा, लुब्रिकेंट की तरह वर्क करेगा कि वो स्मूथ हो जाएगा, और अगर कोई हमें जैसे फीसिस पार्ट पास आउट होनी तो सख्त ना हो, वो सीपी होके पास आउट हो जाए। नेक्स्ट, सेम हेमोरॉइड्स जब हमारे वहाँ पे रेक्टम पार्ट में जिनके हो जाते हैं, मतलब बन जाते हैं पाइल्स की वजह से हो जाते हैं समटाइम, किसी के अलग अलग इश्यू से मतलब बन जाते हैं, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? रेक्टल सुपोस्टरी लगा देते हैं ताकि वहाँ पे वो एरिया जो है थोड़ा सा उसमें कूलिंग इफेक्ट भी आ जाता है, और दूसरा वो पूरा प्रॉपरली उसको सूथ कर देता है और स्लिपरी कर देता है, ताकि उसमें से जो भी है वो फटाफट पास हो जाए, मटेरियल पास हो जाए उसमें से, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज़ क्या है, पेन होती रहती है। कॉन्स्टिपेशन एंड हेमरेज बोथ, तो आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर न्यूट्रलाइजिंग फ्री एसिड एंड सोनिफाई द एस्टर कंटेन इन 1 ग्राम ऑफ फैट इज नॉन एज, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सल्फोनिफिकेशन वैल्यू। ये क्वेश्चन भी आपको रिपीट हुआ है बड़ी बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा देखो सेम क्वेश्चन आ रहा है बट ऐसे अभी सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे हम इन्होंने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की बात करी थी, पोटाशियम मीन्स यहाँ पे सल्फोनिफिकेशन वैल्यू। नेक्स्ट इन्होंने आयोडीन की बात करी है कि नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन जो रिएक्ट करते हैं उन फैट 100 ग्राम ऑफ फैट, तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम आयोडीन वैल्यू ही बोलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन मीन्स आयोडीन वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बट हेयर दे आर रिक्वायर्ड न्यूट्रलाइजिंग फ्री एसिड इन 1 ग्राम ऑफ द फैट, इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे एसिड वैल्यू, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ी थी, पहले हमने जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का क्वेश्चन जो किया है उसमें क्या है कि एस्टर जो कंटेन करता है, मतलब फ्री एसिड एंड सल्फोनिफाई करते हैं, एस्टर जो कंटेन करते हैं 1 ग्राम ऑफ फैट, उसको हम सल्फोनिफिकेशन वैल्यू बोलते हैं। एंड ये जो हमारी आ जाती है, ये हमारी आयोडीन वैल्यू, सॉरी एसिड वैल्यू जो है उस, इसको एसिड वैल्यू बोला जाता है। अगर हमारा एसिटिक एसिड जो है वो यूज़ किया जाए एसिटाइल 1 ग्राम ऑफ फैट, तो क्या रिक्वायर होगा? अगर हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इसको मतलब न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो इसको रिक्वायर होगा हमारा हाइड्रोक्सिल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मैन्युफैक्चर सुपोस्टरीज, तो कौन कौन से मेथड हैं? तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑल मेथड है। हैंड मोल्डिंग भी होती है, कंप्रेशन भी होती है, पोर भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज सुपोस्टरी बेस, तो कौन सा रहता है मोस्टली जो हमारा यूज़ किया जाता है यहाँ पे? वो है हमारा कोका बटर, ठीक है, जो मेनली बेस जो यूज़ किया जाता है, कॉमनली बेस्ड यूज सुपोस्टरी बेस यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं कोका पाउडर। कोका पाउडर हमारा जो कोका पाउडर जो होता है हमारा अवेलेबल होता है कौन कौन सी फॉर्म में? तो ये हमारा मोस्टली सारी फॉर्म में, अल्फा बीटा गामा तीनों फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सॉलिडिफिकेशन होती है, सॉलिडिफिकेशन पॉइंट होता है कोको बटर का, वो कहाँ पे लाया करता है, किसके बिटवीन? तो आंसर है हमारा 12 to 13 degrees सेल्सियस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल एंड ओल्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोस्टरी,
तो हमने पढ़े थे पहले कि हमारे सभी मेथड यूज़ किए जाते हैं, बट अब क्वेश्चन को समझना है। इन्होंने पूछा ही सिंपल एंड ओल्ड मेथड कौन सा है, तो वो हमारा है हैंड, हाथों से मोल्ड करना। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग स्पोर्ट्स ट्रीज ऑन बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल इज कौन सी आ जाएगी इसमें, हमारी सी, पोर मोल्डिंग का आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या रह गए क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस आज जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। इनके रिगार्डिंग आपके माइंड में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन किया करो। सेकंड चीज़, जो जितने भी मैं क्वेश्चन करवाती हूँ इनके टॉपिक भी साथ साथ में कवर करते चलो, ताकि आपको और भी चीज़ों का पता चलता रहे। ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।